नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के लोहरदगा में ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक शिक्षक पर युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने को लेकर ब्लैकमेल भी करता था। जब पीड़िता ने इनकार किया तो उसने अश्लील वीडियो पीड़िता के परिजनों को भेज दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी का इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा है। SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज के अनुसार युवती अविराम BED कॉलेज के शिक्षिका के यहाँ खाना बनाने जाती थी। इसी दौरान बगल में रहने वाले आरोपी शिक्षक ने उसे नशीली दवा के सहारे उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी शिक्षक उसे प्रताड़ित कर रहा था। इस मामले को लेकर STSC थाने में कांड संख्या 11/21 में IT एक्ट दुष्कर्म और SC/ST एक्ट और IPC 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। लोहरदगा जिले के कुटू थाना क्षेत्र अंतर्गत के टिको के अविराम BED कॉलेज के शिक्षक अरुण कुमार दाउटेनगंज के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं अविराम BED कॉलेज के प्रबंधक का कहना है कि आरोपी कॉलेज के शिक्षक नहीं है, वह बस डेमो क्लास के लिए आए हुए थे। अरुण कुमार सिंह ने घरेलू कामकाज करने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यह घटना 25 दिसंबर की है। इसके बाद आरोपी युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डाल रहा था। जब पीड़िता ने मना किया तो उसने अश्लील वीडियो को पीड़िता के परिजनों को भेज दिया, जिसके बाद घर वालों ने रविवार की रात आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर डाली। मामले की सूचना मिलने के बाद कुटू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।